हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बोट कंपनी के नेक बैंड की अनबॉक्सिंग, जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया है, देख ही सकते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो इसके अंदर ही मैं इसका रिव्यू भी दे दूंगा कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है, और ये ब्लूटूथ है तो इसके रेंज कितनी है और इसकी बैटरी लाइफ कितनी है, वो भी मैं आगे बता दूंगा। तो ये बॉक्स खुल चुका है, तो निकालते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी मैंने इसमें कई चीज़ें मंगाई है, उनका स्नीक पीक आप देख सकते हैं। अगर आपको उनकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर देना। जैसे कि देख सकते हैं, ये इस बॉक्स के नीचे रखी हुई है चीज़ें, तो बॉक्स के ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये पीछे वाली तरफ है, तो इस पर लिखा हुआ है नॉइज़ कैंसिलेशन, मैग्नेटिक बड्स, और दो डिवाइस एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, 8 घंटे का प्लेबैक टाइम है, और कुछ नहीं है इधर। और साइड में बोट की ब्रांडिंग लिखी हुई है, और कुछ नहीं है। तो सामने की तरफ कुछ ऐसे हैं, ये न्योन कलर के हैं, ब्लैक कलर के इसमें इस तरीके के इनसेट हैं। तो साइड में से देखते हैं साइड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इस तरफ। तो इस तरफ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो लिखा हुआ है, यूज़र मैनुअल है, इसके अंदर USB केबल आती है, और ये सब है। नीचे की तरफ लिखे हुए मैजिन स्टोर से मंगाया हुआ है, 3,000 रुपये इसकी MRP प्राइस लिखी हुई है, न्योन कलर के हैं। मैंने इनको मंगवाया है 900 रुपये के अंदर। और सामने की तरफ यहाँ पे बोट स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, ये 225 है, प्रो वाले नहीं है, सिंपल वाले हैं। तो इस पे यहाँ पे एक टेप दी हुई है, ये छोटी सी, इसको निकालते हैं। तो ये थोड़ी सी मुश्किल है निकालने में, और दो दो दी हुई है इसके अंदर, जैसा कि देख सकते हैं थोड़ी मुश्किल है इसको बाहर निकालना एक हाथ से। तो और बोट मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ अनबॉक्सिंग की ईयरफोन्स के बारे में, तो उसका आपको आई बटन में मिल जाएगा, चैनल पर मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना। तो ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है, इसको बाहर निकालते हैं। ये ब्लैक कलर की, इसके अंदर ये कुछ केस आता है, उसके अंदर ये रखा हुआ आता है। तो ये इसको पूरा बाहर निकालते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे एक दिया हुआ है पैकेट सा, उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो भी देखते हैं। बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है, तो पैकेट खोलते हैं। तो यहाँ पीछे CSK की टीम है, जो कि मेरी फेवरेट है, MS धोनी को सपोर्ट करा करो, IPL एक बारी तो बंद हो रखे हैं। तो रेड कलर की micro USB चार्जिंग केबल आती है, कुछ इस तरीके की, दिखने में थोड़ी अच्छी है, सुंदर भी है। तो micro USB आती है, Type-C नहीं आती इसके साथ। साथ में ये दो सेट ईयरबड्स भी आते हैं, वो आपको बाद में देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके मैनुअल्स भी आती है, वो भी बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये स्टिकर आता है बोट अहेड वाले नाम से, अभी इन्होंने नया देना शुरू किया है। तो यहाँ पे पैम्पलेट्स आता है, जिसके अंदर बोट रोकर्स के बारे में लिखा हुआ है, वायरलेस हेडसेट है, और इसके अंदर क्या क्या फीचर आते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रैप है, और क्या क्या इसमें बैटरी लाइफ है, एक्टिवेशन क्या है, अचीवमेंट क्या है, क्या क्या कलर आते हैं, सेफ्टी वार्निंग, यूज़ कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है। तो इसको साइड में रखते हैं। एक कार्ड आता है वारंटी का 1 ईयर, जिसपे कायरा की फ़ोटो है, और एक यहाँ पे ये सनबर्न वाला देते हैं, ये हमेशा हर प्रोडक्ट के साथ आता है इनकी। ये बाहर CSK लिखा हुआ था, अंदर ये पंड्या निकला है, बीच में ये शिखर धवन है, बीच में ये भुवनेश्वर कुमार है, साइड में इनके ये क्या क्या प्रोडक्ट अभी तक लॉन्च किए हैं, अलग अलग ले सकते हैं हम, और ये कुछ अलग अलग टीम के साथ कोलाब्रेशन करी हुई है इनके दिखाया है। और पीछे की तरफ भी कुछ ऐसा ही है, पीछे की तरफ ये TV वालों के, गाने वालों की फ़ोटो बनी हुई है, जैसे देख सकते हैं उनके साथ में प्रोडक्ट की ये इन्होंने ब्रांडिंग करी हुई है। तो ये इसको साइड में रखते हैं, मेन हमारे ईयर टिप्स को देख लेते हैं। तो ये कुछ 4 अलग अलग साइज, 2-4 पीस आते हैं, 3 साइज़ में आते हैं, एक लगे हुए आते हैं, मीडियम आता है लगा हुआ, ये लार्ज है, और एक ये स्मॉल है। तो इनको साइड में रखते हैं, ये नॉर्मल सी इनकी क्वालिटी है। तो मेन हमारे ये इस पर आ जाते हैं, नेक बैंड पे, इसको बाहर निकालते हैं। तो कुछ इस तरीके की इसकी है केसिंग में से। तो ये नियोन कलर के हैं, आप देख सकते हैं साइड में ब्लैक कलर का इंसर्ट है, बोट लिखा हुआ है एक साइड में, यहाँ पे 3 बटन दिए हुए हैं, बीच वाला ऑन ऑफ का, ऊपर नीचे वाला, आवाज़ तेज़ धीरे करने का, इसमें आवाज़ तेज़ धीरे करने का थोड़ा अलग सिस्टम है, वो आगे बता दूँ। यहाँ पे ये चार्जिंग क्लिप आती है, इसको आप बाहर से कवर भी कर सकते हैं, ये थोड़ी वाटरप्रूफिंग के लिए दी होगी इन्होंने। दूसरी तरफ भी बोट है, नीचे L लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में डालना है इसको इस तरफ से। और ये कुछ इस तरफ से हल्की सी टाइट भी है, ये प्लास्टिक की सी वायर है इधर, और ये बोट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ये मैग्नेटिक है, जैसे कि देख सकते हैं इसकी मैग्नेट अच्छी खासी स्ट्रांग है, पर रियलमी का लेते हैं अगर मैग्नेट हटाते हैं तो प्ले पॉज भी हो जाता है म्यूज़िक, वैसा इसमें कोई भी फीचर नहीं है। और यहाँ पे ये कानों में फंसाने वाला भी आता है। तो ऑन करके देखते हैं, तो यहाँ नीचे की तरफ एक लाइन में छोटी सी लाइट जगती है रेड कलर की। तो ऑन कर लिए हैं, तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ इसकी रेंज कितनी है। जैसा कि हमारे पिछले डायरेक्टर है जिनको हम देखते हैं, तो ये इनको दूर भेजते हैं, वहाँ तक ये कम से कम 10 मीटर से भी ज़्यादा की जगह है, यहाँ पे आ जाती है, एक कमरे से दूसरे कमरे में भी आवाज़ आ जाती है, जैसे कि बता रहे हैं ये कि आवाज़ आ रही है वहाँ तक, तो मतलब आवाज़ आ रही है।
तो बुला लेते हैं वापस, ये आवाज़ इन्होंने बता दिया अच्छी है, तो अब इसकी माइक की क्वालिटी भी सुना देता हूँ मैं आपको। तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ईशा आर्ट्स को, उसमें मिलेगी आपको आर्ट से रिलेटेड वीडियोस और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।